हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस गनगोरो। मेरे चैनल पे जो भी न्यू है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो अभी आना स्कूल के रेडी हो गई है, वी स्कूल जा रही है। ड्राइंग का पेपर है, यस वी हैव का ड्राइंग का पेपर है आज, और आज से हमारे दिवाली की साफ सफाई स्टार्ट होने वाली है। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, आगे आगे देखे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, चलो बेटू ये शूज पहना दो, ये रहे सॉक्स, चलो। गाइस ये देखो साफ सफाई चल रही है, अभी जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं दिखा पाऊंगी। देखो ये सारे ड्रॉज खाली हो गए, सब कुछ पूरी वॉल सब साफ की जाएगी। देखो कितना खिलौना मैंने निकाला है, या आप देख सकते हो। मुझे टेडी बेयर का इतना शौक है। कितने सारे टेडी मिलेंगे आपको मेरे पास, ये देखो। मैं साथ में ना व्लॉगिंग का भी काम करते जा रही हूँ बीच बीच में, जो जो मुझे व्लॉग पोस्ट करना है वो, ताकि फ़ोन थोड़ा खाली हो जाए। देखो ये पांडा है, पू है, ये मैं बताती हूँ। मुझे बहुत सारा टेडी का शौक था, तो मेरे पास इतने सारे टेडी पहले था, अब इतना क्रेज नहीं है बट था। ये वाला जो डॉल है ये विहाना को उसके मामा ने दिया था, और ये वाला डॉल है जो मेरी माँ ने मुझे दिया था, मेरी मम्मा ने, ये देखा। तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहे जितना जितना पॉसिबल होगा, जैसे भी मैं आपको दिखाऊंगी पूरी साफ सफाई हम लोग कैसे करने वाले। आज तो सिर्फ हम लोग शायद तो नहीं, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि यही हो पाएगा कि सारे कवर्ड में से सामान निकाल के खाली करना, वापस जमाना, फिर इसमें से निकाल के पूरा साफ करके जमाना, पूरी वॉल साफ करना, फिर आगे का गैलरी है, फिर शूरे के, फिर ये वाला रूम में, फिर करके मेरा व्लॉग इसलिए बंद हो गया था क्योंकि मेरे पति देव का फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे बात करने लग गई थी, और फिर ये वाला फैलारा होगा। मतलब आज हमने सोचा है, क्योंकि वो भी सब खाली करके सब ये पूरी वॉल पूरी गंदी हो रही है, सब ये वाली वॉल, हमने सोचा है कि आज हम लोग ये वाला रूम और ये वाला हॉल, बस ये तीन चीज़ कर लेंगे, बाकी फिर किचन में पूरा एक दिन लगेगा और पीछे वाले रूम में एक दिन लगेगा, तो हमको कंटिन्यू 4-5 दिन लगेंगे साफ़ सफाई में। तो ये देखिए आंटी मुझे बड़े गौर से देख रही है। हेलो आंटी, आप इनको जानते हैं, हमारे साथ हेल्प करवाती हमेशा, कैची हो आप? बढ़िया, चलो आ जाओ फिर फटाफट कर ले हम। ओके, तो हम लोग मिलते हैं थोड़ी सी देर में, आप लोग व्लॉग में बने रहे। एक तो पहले में पानी लिया, तो इसको नीचे छोड़ के देना बार बार, नहीं तो ये धूल देखो इतना काला है, सब धूल का खेल। वो मैं लंबी वाली झाड़ू देके जाऊँ मेरे को। तो आप ये देख सकते हो कितनी जोरों शोरों से साफ सफाई चल रही है। अभी सबसे पहले मैं सब दूर के जाले निकाल रही हूँ झाड़ू से, जहाँ जहाँ जाले हैं, मतलब जहाँ नहीं भी है वहाँ भी थोड़ा बहुत जो धूल मट्टी डस्ट जो भी है सब निकल रहा है, एक एक कोने कोना साफ हो रहा है। हर किसी के घर में साफ सफाई चल रही होगी दिवाली की, मैंने करवा चौथ के बाद स्टार्ट करी है। अब देखो मुझे 5-6 दिन लग जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉपर करना पड़ेगी, इसलिए पीछे से लिया। तो
सुबह खड़े होके देखना पड़ेगा मुझे हाय, साफ सफाई करवा लो दिवाली की। साफ सफाई दिवाली की, साफ सफाई। ये देखिए सब दूर चल रही है, इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है, जोरों शोरों से। बाय बाय बाय, साफ सफाई के बाद मिलते हैं रात को ब्रेक में। ज़्यादा ब्लॉगिंग में कर नहीं पा रही, जितनी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उससे, तो आप ब्लॉग में देखते जाइए ना, क्योंकि एक तो मैं गाने सुनते सुनते ब्लॉग साफ सफाई कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा मैं डाल नहीं पाऊँगी क्योंकि फिर कॉपीराइट का ऑप्शन आ गया है, इसलिए आंटी मुझे ना वो देना। तो आप लोग ब्लॉग बने रहे, आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होने वाला है। बाय बाय बाय। ये देखो भाई लड्डन आ चुकी है। अरे साफ साफ सफाई सफाई, ये देखो क्या लाया झूला भर भर के। बताओ तो क्या लाया। देखो मैं अरे झूला भर भर के क्या लिया है ये, फिर इसको खींचो तो गिफ्ट। भगवान की सोने का अलग है ना, बर्तन मारने का अलग है, कुछ में डाल के फिनाइल अलग है, अलग है हार्पिक अलग है, और ये जो रोल है ना रुए वाले, ये अगर एक भी बटा ना है ना। बताओ क्या लेके आया। वेलकम है, वेलकम है। अरे वाह, तो आ जाओ ना। ये अपना फेवरेट है। और आगे क्यों, ये आपके कान्हा जी हैं क्या। बल्लू भैया क्या, फिर एक बल्लू भैया, एक बल्लू भैया। अच्छा बताइए कितने के होंगे सब। आई डोंट नो, मैं तो गया था भैया, मेरे को तो बस है इनसे कुछ। इसमें एक आइटम और मिला तब जाके ये और मिला था। ये भी उड़ा दो था उसको, तो कबूली नहीं हुआ तो। हाँ है ना, रूम फ्रेशनर। हाँ फिर क्या बताओ कितने के ये सब आइटम। ये इसमें और डालेंगे तो ये हो जाएगा 1400। मतलब वो एक रूम फ्रेशनर बताया पूरे 1400 में ये सब लेके आया। हाँ। अरे वाह, 1440। अच्छा 1400 सही तो बोला, 40 कर रहे। हाँ बेटा चूज उतार दो, खाना खा लो। ये देखो फिसल पट्टी बना ली गद्दे की इन लोगों ने, ये देखो। यू आराम से, चलो 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 च
चलो बोलो चिल्ला यार क्या तुम भी है ना बच्चों जैसे होते हो चलो बच्चों एक नंबर के बच्चे हो तुम भी ये क्या हो गया बहुत वेरी गुड जो हो रही सफाई तो बहुत वेरी गुड वेरी गुड जी सो गाइस फाइनली हमने सोचा था कि हॉल भी हो जाएगा बट यही वाला रूम और बाहर वाला गैलरी हो पाई है, बाकी हम लोग नहीं कर पाए हैं क्योंकि अब हम करेंगे कल करेंगे क्योंकि ये सब धो के रख दिए थे, ऊपर से मैं सारे पर्दे ले आई हूँ जो धुल गए हैं, बाकी कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, सोफे के कवर वगैरह, तो सोचा जब तक जो रूम फटाफट रेडी हो रहे हैं उसको कर देते, तो आज हम ये दो कर पाए हैं और आगे वाली मस्त जो कि आपने देखा कैसे दीवार चक चक करके धोई है सब, वैसे चमक रहा है कि नहीं इधर कमेंट में बताना, चमक रहा है आंटी, चमक रहे ना आंटी, और हमारी मेहनत है दोनों की, मेहनत रंग लाई है, यस वो तभी सर आके बताएंगे लाई की नहीं लाई, क्योंकि आपके जीजू लगे हैं बीहू को जिम नहीं सॉरी कोचिंग, और वो जिम गए, लो आंटी दर्शा के दिखाओ, ठीक है, देखा 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 अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, ओके बाकी इन सब में भी कवर चढ़ा देते, तो ब्लॉग में बने रहे आगे देखते हैं अब क्या होता है, थोड़ा बहुत पिला रहा इधर का करते हैं हम लोग फिर देखते हैं। मेरी लाडो बेटी कोचिंग से पढ़ के आ गई है, फिर भी हमारा काम ही खत्म नहीं हुआ अभी तक, कितनी साफ सफाई चल रही है, कैसा लग रहा है घर बाहर का चमक रहा है, हैं कितना बिजी देख रहा है, अच्छा है ये देखो मैं इसके अंदर आपको लेटा के कर दूँ, ये ड्रॉज के अंदर सुला दो गेट लगा दो, अरे हाँ यार हेलो गाइस मम्मा ने बताया साफ सफाई कैसी करनी, मेरी सेबड़ली सेबड़ू सोबड़ू चोबड़ू चोबड़ू चोबड़ू। सो गाइस ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सो गाइस ये देखिए फाइनली आप बताइए घर पहले से चमक रहा है या नहीं, ये देखिए ये वाला रूम पूरा हो चुका है, ये देखो पूरी गैलरी भी क्लीन कर दी है, सब घिस घिस के धो दिया पूरी वॉल सब कुछ, बस वो वाली वॉल बची है उधर की साफ करनी है, बाकी इधर का हो गया है, अब कल हम करेंगे हॉल और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे किचन, फिर पिछला रूम, फिर ख़त्म, ये देखिए फिर दिवाली मनाएंगे है ना आंटी, तो आंटी जा रही है घर, बाय आंटी कल मिलते हैं, कल टाइम पे आ जाना, बाय बाय। सो ये दो चीज़ें और दो रूम हो गए और ये कल की तैयारी, कल ये वाला रूम करेंगे हम लोग पूरा, ये वाला हॉल आई मीन। तो दिवाली की लाइटिंग भी लग चुकी है जो कि कल रात को लगी थी, तो उसकी कुछ क्लिप्स मैंने रात को शूट किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिम पे हमने कैसे लाइट लगाई है और घर पे कैसे, तो देखिए कैसे लाइटिंग लग रही, खड़े हो के वो देखो वो एक उधर अलग ऊपर तक देखना पड़ा, लो लग गई क्या लाइट, लास्ट एक लास्ट बची है, फिर उड़ेगी नहीं ना, हाँ समझ गई मैं, सब दू टेप लगा दी, देखना आराम से इतनी टाइट टाइट हो कर तो लग गई एकदम परफेक्ट लग रही है ना, वो देखो नीचे आ रहे देखने सब लाइटिंग, ये लो लो चीज खाना, ये वो देखे गए थे पेड़ बड़ा था, खाना है चीज अभी की अभी।
लाइट लगा रहे यार, आज तो तुम्हारा चेहरा सही में चांद की तरह चमक रहा है, क्या बताऊं। देखो इधर स्माइल कर रहा है यार, तुमने वीडियो कॉल कर दी। इधर आओ, इधर आओ ना। बाय एवरीवन, गुड नाइट। लाइट्स लगा, देखिए लोकेश भी लाइट लगा रहे हैं। क्या देखो, ये हैंड हेल्पिंग हैंड्स। क्या ये चल रहा है? ये लाइट्स लगा रहे हैं। यस लाइट्स। दिवाली की देखिए प्रिपरेशन हो रही है, जिम सजाया जा रहा है। यस दिस इज माय जिम। दिस इज माय जिम। यस दिस इज माय जिम। क्यों पवन? नोबडी कैन टच। क्या चल रहा है? बड़े पवन, बड़े पुरानी बातें बता रहे हैं। तो अभी ये कनेक्शन चल रहा है क्यों? बोल दो। लाल काले पीले? यस, क्योंकि वायर बढ़ चुका है छोटा, और इतनी रात में कुछ इलेक्ट्रिक की शॉप ओपन नहीं होगी, इस चक्कर में हमको कनेक्शन अब इसी वायर में से करना पड़ रहा है। ओके ठीक है। यस डियर। अरे अपना लाइट मैन। यस हेलो लाइट मैन। लाइट मैन, एनीबॉडी स्ट्रिंगिंग स्ट्रिंगिंग, हाउ आर यू? सो फाइनली जिम की लाइट भी लग चुकी है, और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल। ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। आज की सब साफ सफाई यहीं पे ख़त्म, क्योंकि अब मैं बनाऊंगी खाना, खाना खाने के बाद बीहू को पढ़ाई कराऊंगी, देन फिर सो जाएंगे क्योंकि थक गए बहुत ज़्यादा। और फिर कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। आपको ब्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और किस किस के घर में साफ सफाई चल रही है दिवाली की, और किस किस के घर में हो चुकी है तो वो बताना कोई मत भूलना। सो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना ब्लॉग को, आपको ब्लॉग कैसा लगा। कल मैं वापस बनाऊंगी नेक्स्ट, हम जो हॉल की साफ सफाई करने वाले, देन फिर किचन की, देन फिर लास्ट रूम की, तो मैं सारी चीजें बताऊंगी। तो इसके बाद बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं दिवाली के लिए, धनतेरस वाले ब्लॉग, कैसे क्या रंगोली बनाएंगे हम लोग, क्या क्या होने वाला, क्या क्या होने वाला है सारी चीजें। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।